सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल हुमाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो ये है जी फ्राइडे के दिन का व्लॉग मेरे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 1 kg के करीब हड्डी वाला जो है वो मटन का गोश्त, और इसमें मैंने इतना पानी डाला है कि बस ये डूब जाए ना पानी में। और इसमें मैंने डाल दिया 1 tablespoon लहसुन अदरक का, और 1/2 teaspoon मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट, और इसे मैं ना बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो मैंने जो है, मेरे पास काली मिर्चें ख़त्म हो गई थी पिसी हुई, तो कढ़ाई के लिए वो चाहिए होती हैं, और भुना कुटा धनिया और ज़ीरा भी मेरे पास जो है ना वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक जो है ना वो गोश्त बॉयल हो रहा है तो मैं इन चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/2 cup जो है वो धनिया लिया साबुत, और 1/2 cup लिया ज़ीरा, और इसको जो है वो हल्का सा जो है ना वो भून लूँगी हल्की आंच पे, और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये जो है वो अच्छे खासे दिन जो है ना वो चल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई वगैरह में जो है ना इसका जो होता है ना एंड में डलता है, ये आपकी जो है वो ताज़ी जो है पिसी हुई काली मिर्चें हों और ये भुना हुआ जो है वो धनिया और ज़ीरा हो, तो काफ़ी अच्छा सा जो है ना वो टेस्ट देता है ये। तो यहाँ पर मैंने ना इनको पीस लिया था, और फिर उसके बाद इनको ना बढ़नी में भर लिया था, और यहाँ पे जो है वो गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। ये देखें हल्की सी इसमें यखनी रह गई है, बिल्कुल हल्की सी। तो अब मैं जो है ना, या आप चाहे ना तो काम एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं, कि अगर आपके पास गोश्त बॉयल हुआ हुआ होगा ना इस तरह, तो आप झटपट जो है वो फटाफट ना कढ़ाई बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ गोश्त को, और अब मैं दूसरे पॉट में जो है ना इसको कन्वर्ट कर लूँगी, ताकि क्योंकि मुझे जो है वो ये पतीली ना थोड़ी सी छोटी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको फिर किसी बड़ी कढ़ाई में जो है ना वो मैं पलट लूँ। तो जब इसका पानी ना थोड़ा सा जब तक खुश्क होने के लिए मैंने रख दिया, तो यहाँ पे मैं तकरीबन मेरे पास जो है वो 1 kg गोश्त है, तो उसके लिए मैं तकरीबन 5 या 4 से 5 टमाटर ले लें आप। यहाँ पे मैं इसको ले लूँगी और इसको कर लूँगी ग्राइंड, और ये देखें इस तरह से ना मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 cup के करीब जो है वो दही, और इसमें जो मसाले जाएंगे ना, तो मसालों में है यहाँ पे मेरे पास 1 teaspoon पिसी हुई लाल मिर्च, 1 teaspoon ज़ीरा, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 2 teaspoon पिसा हुआ धनिया, और 1/2 teaspoon मैंने इसमें डाल दिया था नमक। और इस सब को ना जो दही और टमाटर का जो बैटर था ना उसमें मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसमें जो है ना गोश्त में शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/2 cup के करीब जो है वो ऑयल, और ये सारा मिक्सचर जो हमने इसमें बनाया था ना मसालों का वो सब इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैं ना कढ़ाई में हल्दी नहीं डालती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कढ़ाई का जो रेड रेड सा कलर होता है ना वो थोड़ा सा चेंज सा हो जाता है, तो मैं सिर्फ जो है ना वो रेड चीज़ें इसके अंदर डालती हूँ और पिसा हुआ धनिया वगैरह डाल देती हूँ, बस मैं हल्दी नहीं डालती इसमें। अब बड़ा अच्छा सा कलर जो है ना इसका आ जाता है। तो ये देखें ये ना मिक्स हो गया अच्छे से। अच्छा, गोश्त जब मैंने गलाया था ना तो मैंने उसको फुली नहीं गलाया था, मैंने 80% गलाया था। तो यहाँ पर देखें अब बाकी की चीज़ें मैं डाल रही हूँ, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है 1 teaspoon, 1/2 teaspoon है गरम मसाला, 1/2 teaspoon है काली मिर्च, और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, और 1 tablespoon इसमें मैंने डाल दिया है सूखी मेथी का, और ये आपको एंड में ही डालना है, क्योंकि फिर इनकी जो खुशबू होगी ना वो बड़ी अच्छी सी लगेगी। तो यहाँ पर जो है वो झटपट सी जो है वो मटन कढ़ाई हो गई तैयार। झटपट ये इस तरह हुई है क्योंकि गोश्त हमने पहले से बॉयल कर लिया था। अगर हम गोश्त पहले से बॉयल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये टाइम तो लेगी। और यहाँ पर तैयार हो गई कढ़ाई, इसके ऊपर मैंने जो है वो हरा धनिया डाल दिया गार्निशिंग के लिए, और बस जो है ये रात का खाना जो हो गया तैयार। अच्छा, तो आज जो है ना वो थी मेरे बड़े बेटे की बर्थडे, तो मैं बाहर गई यूनाइटेड बेकरी, और मुझे लेना था वहाँ से केक, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना जाकर ही ले लेती हूँ केक, क्योंकि हमारी तरफ जो है ना वो फूड पांडा वगैरह की इतनी अच्छी सर्विस नहीं है, और 1-2 bakeries आती हैं उसमें, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही जाके ले लेती हूँ।
तो मैंने यहाँ पर आके देखा तो मतलब चीज़ों की तो पैसे बढ़ ही गए, मैं तो काफ़ी मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर चीज़ों पे हर एक चीज़ पे जो है ना तकरीबन 200-300 रुपए जो है ना वो बढ़ गए थे। तो खैर महंगाई हो गई है और ऑब्वियसली ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट होंगी। यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए केक ले लिया था और उसको क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो हमेशा यहाँ यूनाइटेड से ना डेथ बाय चॉकलेट या चॉकलेट फज केक जो है ना उसको अच्छा लगता है, तो मैंने वही उसके लिए ले लिया। और यहाँ पे जो है वो बच्चे वगैरह सब आ गए थे और फिर मैंने कहा कि चलो भाई अलियान तुम ना केक काटो, वो थोड़ा सा ना हिचकिचा रहा था, माशाल्लाह बड़ा हो गया ना, तो इस वजह से तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं भाई अच्छा लगता है बर्थडे पे तो केक काटना बनता है। तो खैर बस यहाँ पे हमने शाम में केक काट लिया था और रात के खाने के लिए मैंने जो है वो मटन कढ़ाई बना ली थी। तो यही थी मेरी फ्राइडे की रूटीन कह लें आप, फ्राइडे को मैंने यही किया था तो बड़े मज़े की मटन कढ़ाई बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह इस रेसिपी को ना, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। डिस्क्रिप्शन में जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।